बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कपड़े से फूल बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। देखिए, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब कपड़े से फूल बनाए गए हैं और रिबन से तैयार किए गए हैं। ये देखें, बोतल है और इसके ऊपर कपड़े के फूल बना के मैंने लगाए हैं और ये तैयार किए हैं। ये देखें, मेरे पास एक पीस है, जो फालतू आप सिलाई करते हैं तो कपड़े बच जाते हैं, तो उनसे मैं ये कटिंग कर रही हूँ। डिफरेंट डिज़ाइन की पत्तियाँ आपने काटनी हैं साइज़ में। तीन साइज़ की हमने पत्तियाँ काटनी हैं। बाकी भी हमने काट लिए, कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं। अब ये कपड़ा जो है, हमने इसको फोल्ड किए हैं और मेरे पास तार है, इसको मोड़ते हुए इसको मैं फोल्डिंग करूँगी। अब धागे से इसको लपेटना है। इसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा है ताकि दिखने में ज़्यादा अच्छा लगे। अब फिर दोबारा इसको हमने फोल्ड करना धागे से और इसके साथ पैटर्न को अटैच करना है। देखें, पहले छोटे साइज़ की पत्तियों का हमने लगाना है। इसी तरह से हमने छोटी पत्तियों को लगाना है, उसके बाद हमने बड़े साइज़ की पेटल्स को जोड़ना है। देखें, फूल तैयार होता जा रहा है। अब ये सब्ज रंग का कपड़ा मेरे पास है, इसकी मैं कटिंग करती हूँ पत्तियों के लिए और इसकी डंडी मैंने तैयार करनी है। इसको यूं मोड़ना है और इसकी दो कटिंग करनी है। आप अपनी मर्जी से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी दो ही लगाऊंगी। इसके साइडों से यूँ बारीक इसको कटिंग करनी है। अब इस पीस को मैंने यूँ कटिंग करनी है और इसको डबल फोल्ड करके मैंने इसकी डंडी के ऊपर लपेटना है, जो बाकी तार बची हुई है उसके ऊपर। यहाँ से मैं कटिंग कर देती हूँ, यहाँ से मैंने डबल मोड़ती हैं और इसके साथ लपेटती जाऊंगी। मैंने सुई की साथ इसको अटैच किया। आप गोंद वगैरह या किसी चीज़ से अटैच कर सकते हैं, सुई की मदद से भी आप इसका घेरा लगा सकते हैं। ये मैंने पूरी के ऊपर फोल्ड कर दिया। अब इसकी साथ पत्तियाँ अटैच करें, यहाँ से मोड़ना है दूसरी साइड से और यहाँ पे सुई की मदद से यहाँ मैंने जोड़ देना है इसको। अब इसको रिबन को मैंने रखा है और इसको दरमियान से मैंने मोड़ लिया है। अब इसी को इकट्ठा करते हुए जाना है, यूँ मोड़ते हुए जाना है और इतनी आसानी से ये फूल तैयार हो जाएगा। यहाँ से सुई से हमने इसकी सिलाई कर देनी है और ये आप लगा सकती हैं, कमीज़ पे लगाना चाहिए, आप गुलदस्ता बनाना चाहें, चाहे जहाँ भी आप। ये भी फूल बिल्कुल तैयार हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, इसके भी यूँ मोड़ते हुए जाना है और इसको बंद कर देना है। दरमियान में इसके मोती लगा सकते हैं या बटन लगा सकते हैं। डबल कपड़े को फोल्ड करना है और यूँ ही इसको सिलाई करना, जैसे मैंने पहले आपको रिबन का फूल बना के दिखाया। ये भी वेलवेट का कपड़ा मैंने लिया और इसका फूल बनाया, इसका घेरा लगा के यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। ये भी तैयार है, ये देखें। ये एक ही तरीके से तैयार किए गए हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है गुलदस्ता मैंने बनाया है, ये भी इसी तरह से बनाया है।
ये कपड़े से तैयार किया है और एक रिबन से। ये सब कपड़े से ही फूल तैयार किए गए हैं, इसके ऊपर ज़्यादा मटेरियल वगैरह खर्च नहीं हुआ। सिर्फ कपड़े के फालतू पीस जो बच जाते हैं, जो ज़ाया था, उनको यूज़ करके ये मैंने बनाया है। और ये देखें, गुलाब के फूल भी तैयार हो गए। आप सब फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को देखते हुए हैं और लाइक भी करते हैं, शुक्रिया आपका। ये देखें, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं और डिफरेंट डिज़ाइनिंग इसकी की गई है। अब दूसरे डिज़ाइन का, इसको गोलाई में हमने कटिंग करनी है। इसके जितने साइज़ का फूल बनाना चाहें, यहाँ से पीस मैंने कटिंग कर लेना है। अब भी इन पीसों को मैं मोड़ते हुए आपको दिखाऊंगी। इसके डबल फोल्ड हमने कर लेना, इसको यूँ मोड़ना है, फिर दूसरी तरफ ऐसे, और यहाँ से मैंने इसकी सिलाई करनी है। दूसरी पत्ती को भी ऐसे साथ में अटैच करना है। अब इनको धागा कहते हुए साथ मिला लेना और यहाँ से गिरा लगा देना। दरमियान में हमने इसके मोती अटैच कर देने हैं। ये देखें, बिल्कुल तैयार है। दूसरे भी देखें आप। अब ये देखें, दूसरे भी आपको मैं दिखा रही हूँ, सब डिज़ाइन के जो मैंने अभी तैयार करके दिखाए हैं। ये फूल और कपड़े के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की, देखें बच्चियों की फ़्राकें मैंने तैयार की हैं और इसके ऊपर कपड़े के फूल बना के लगाए हैं। देखें, ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है। ये देखें, पिंक से डिज़ाइनिंग की गई है। ये भी हाथ की मदद से और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इसके ऊपर भी पिंक फ्लावर लगाए गए हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा।